जय भानुशाली, जय भानुशाली, ये नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। किस लिए तारीफ नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है। ऑडियंस समझ नहीं पा रही कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। उमर रियाज, विशाल कोटियान आपस में बात ही कर रहे होते हैं तो तभी विशाल कोटियान कहते हैं कि जय का गेम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पता नहीं ये कब कैसे किस तरह से अपना गेम वापस संभालेगा। तो देखा जाए तो जे का गेम वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन इस पे कितनी भी बात कर लें हर कोई अपनी अपनी राय ज़रूर देगा कि जे का गेम ख़राब, जे का गेम ख़राब, जे का गेम ख़राब। अब देखते हैं ये बातें किस तरह से ख़त्म होती हैं। वो तो भाई जे ही करेंगे अपना गेम थोड़ा सा चेंज कर करके, और देखा जाए तो जे ने भी अपना गेम खुद ही ख़राब किया था, अब खुद ही सही करेंगे। खुद ख़राब कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। याद करिए, कुछ टाइम पहले की बात है, मनी वाला टास्क हुआ था जिसमें इन्होंने पैसे नहीं दिए थे और इमेज इनकी बहुत ज़्यादा घट गई थी। इसी चीज़ से ये ऑडियंस की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर गए थे। बट जब से इनका गेम ख़राब ही होता हुआ आ रहा है, गलत चीज़ों पर स्टैंड लेते हैं, जो चीज़ें स्टैंड लेने की होती हैं उस पर स्टैंड कोई नहीं लेते। तभी उमर रियाज कहते हैं कि यार ये जय भानुशाली आखिर करना क्या चाहता है, अपना गेम खुद ही ख़राब कर रहा है। तो गाइस देखते हैं जय भानुशाली अपना गेम कब वापस रिकवर करेंगे, टॉप कंटेस्टेंट में कब आएंगे, कब इनके भी नाम के ट्रेंड चलेंगे। और देखा जाए तो सिम्बा नागपाल कुछ नहीं करते, मिस्टर इंडिया की तरह है भाई वो तो, लेकिन उनके भी ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पर, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वो भी और करण कुंद्रा भी। लेकिन जो एक तरह से देखा जाए तो जे भी अपना ट्रेंड बना सकते हैं अगर गेम खेलें तभी सही तरह से और दूसरों को समझें, लेकिन इन्हें समझना नहीं है, इन्हें बस भड़कना है, गलत जगह पर बोलना है। तो गाइस इस वीडियो पर आपको क्या है कहना, जय भानुशाली के इस गेम पर क्या है कहना, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल पर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ ट्रेंडिंग वर्ल्ड पर नए नए अपडेटों के लिए।